कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो इस बार पैलिको पे थोड़ा फोकस करूँगा मैं। तो अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैं पैलिको के अगर पास जाऊँगा तो पैलिको के इक्विपमेंट में जाऊँगा, और यहाँ पर तुम देख सकते हो जो स्पेशल इक्विपमेंट में, उसमें सिर्फ एक ही इक्विपमेंट है और बाकी और कुछ भी नहीं है। तो पैलिको के लिए और ज़्यादा इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने पूरे गेम में किया नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस चीज़ पे। वैसे टोटल 6 या 7 इक्विपमेंट होते हैं इसके लिए, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 कलेक्ट करने आते हैं। तो आज सिर्फ 2 पे फोकस करते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं एक एक्सपीडिशन पर निकल जाऊँगा, और एक्सपीडिशन शायद मेरे को लो रैंकिंग पे करनी है। हाँ, तो जैसे मैं लो रैंकिंग के एक्सपीडिशन में जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा कोरल हाईलैंड, नहीं सबसे पहले मैं जाऊँगा वाइस स्पायर वेस्ट पे, ठीक है। और बेसिकली करना क्या रहता है कि कुछ दूसरे बिल्लों से बात करनी पड़ती है, और वो बिल्ले अपने को कुछ एक दो क्वेस्ट वगैरह देते हैं, और उनके क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद अपने को कुछ नया इक्विपमेंट मिलता है, और साथ में कुछ राइड्स वगैरह भी मिलते हैं। राइड्स बोले तो वाइस स्पायर वेस्ट के जो छोटे वाले जानवर हैं, मैं उस पर चढ़ के ट्रैवल कर सकता हूँ। एक सेकंड में दिखाता हूँ क्या मतलब है मेरा उससे। ओके, क्वेस्ट लोड हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ मैं सही कैंप पे हूँ कि नहीं। सही कैंप ये नहीं है, सही कैंप डियाब्लोस के पास वाला एरिया है। ओके, तो ये इस कैंप में अगर थोड़ी सी मैं छानबीन करूँगा इधर उधर पे, ये तो बाहर का रास्ता है, तो इधर मेरे को एक और कैंप दिख सकता है जो कि बिल्लों का कैंप होगा। तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं नीचे क्रॉल करके जाता हूँ, तो ये देख सकते हो यार, यहाँ पर बिल्लों का कैंप है ना, देख सकते हो यहाँ पे पूरा अपने कैंप के पास ही उन्होंने कैंप बिठा रखा है, और कैक्टर भी यहाँ पर रहता है। खैर कोई नहीं, तो याद होगा पिछले कुछ एपिसोड्स में इन्हीं बिल्लों ने, इसी बिल्ले ने मुझे एक क्वेस्ट दिया था कि इसके दोस्तों को पकड़ के लाना है। तो इसके दोस्त कहाँ पर है वो कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं मैप में देखूँ, यहाँ पर आइकन देख सकते हो तुम, प्रोटेक्टर्स करके लिखा हुआ है, राइट? तो इन बिल्लों को मुझे पकड़ के लाना है। तो सबसे पहले मैं सबसे नज़दीकी कैंप में जाऊँगा और इन बिल्लों पे मैं अपना कर्सर मार्क कर दूँगा। हाँ, उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, अपना जो नेट है उसको इक्विप कर दूँगा, और गिली मेंटल जो है उस पर कर्सर रख दूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पर है वो प्रोटेक्टर्स, मैंने गिली मेंटल पहन लिया है। धीरे धीरे जाऊँगा उसके पास और पकड़ लूँगा ऐसे तो ये एक प्रोटेक्टर मैंने पकड़ लिया है। अब ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोटेक्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो उसी तरीके से गिली मेंटल पहन के धीरे धीरे उसके पास जाऊंगा और फिर से उसको धर दूंगा। तो बेसिकली बिल्लों को किडनैप करने का मिशन है यहाँ पे। वैसे मैं किडनैप कर नहीं रहा हूँ, बोलने वाली बात है बस। ये तो लिनियन है, खैर उसको इग्नोर करते हैं। ओके, बिल्ला वहाँ पर है, तो चुपके से जाना पड़ेगा वहाँ पर इससे पहले कि वो सतर्क हो जाए। और कैप्चर नहीं कर पाया मैं, वो शायद गिली मेंटल के थ्रू मेरे को भी देख सकता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से निकला कहीं और होगा, तो अभी मैं इनके पास जाऊँगा। थोड़ा मतलब मशक्क़त वाला काम है इन प्रोटेक्टर्स को कैप्चर करना, लेकिन एक बार कैप्चर हो जाए तो उसका जो रिवॉर्ड्स है वो मतलब सही ही रहते हैं।
अच्छे खासे ही रहते हैं। और देख सकते हो यार, दो बिल्ले पास में ही है। यहां पर एक बिल्ला है, ओ ये प्रोटेक्टर नहीं है, ये कोई और ही है। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कहीं तो भी प्रोटेक्टर से ऊपर की तरफ है, तो कोशिश करूंगा मैं उसकी तरफ जाने के लिए। ये एक नया रास्ता है, ये मुझे नहीं मालूम था। खैर ऊपर की तरफ, ओके स्काउट फ्लाइज ने भी रास्ता पकड़ लिया, नाइस। और देख सकते हो गिली मैंटल की टाइमिंग भी मेरी खत्म हो चुकी है। ओके लगता है बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं मैं, थोड़ा संभल संभल के मुझे जाना पड़ेगा। अपना नेट रेडी रखता हूँ मैं। पकड़ लिया, नाइस। मुश्किल से पकड़ा, वो बार बार बचा। एक और बचा है बस, उसको देखता हूँ वो प्रोटेक्टर कहाँ पर है। होना यही कहीं चाहिए। बस आइकन्स मुझे दिख नहीं रहे। ऐसा लगता है कि इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, यूजुअली वो लोग आइकन्स वगैरह दिखा दे नहीं है। चलो कोई नहीं, एक बार कैंप से जा करके आते हैं, हो सकता है कि मैप रीसेट हो जाए। जैसे यूजुअली मैप रीसेट यहाँ पर होते तो नहीं है। लेकिन मेरे पास एक और बिल्ड है जो मैं तुम्हें दिखा दूँ, क्योंकि ऑफ स्क्रीन मैंने एक नया बिल्ड बनाया था। तो अगर मैं चेंज इक्विपमेंट में जाऊँ, यहाँ पर देख सकते हो गैदरिंग बिल्ड। तो इस बिल्ड की बात अगर मैं करूँ तो कहाँ गया, यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेल्थ का जो लेवल है मेरा, स्टेल्थ जो है वो लेवल 3 पे है। यानी कि मोस्टली मॉन्स्टर्स या फिर किसी भी प्राणी को पता नहीं चलेगा कि मैं कब आ रहा हूँ। राथियन अभी अभी मेरे ऊपर से गया, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर चलते हैं अभी लास्ट प्रोटेक्टर्स को ढूंढने। ओ यहाँ पर है, पास में ही है शायद। मिनी मैप में आइकन देख सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता यहाँ पर क्यों आइकन नहीं दिखा रहा है। अजीब बात है। खैर कोई दिक्कत नहीं, वो देखो वहाँ पर नीचे की तरफ आइकन है, तो देखूंगा मैं उसके कितने करीब आ सकता हूँ। पकड़ लिया, नाइस। तो शायद मैंने सबको पकड़ लिया है। तब मैं क्या कर सकता हूँ ना, डियाब्लोस के गुफा वाले कैंप में जा सकता हूँ, जो कैंप नंबर पता नहीं कौन सा कैंप नंबर है, और इनके पास जा करके मैं इनके सरदार से बात कर सकता हूँ यहाँ पे। देख सकते हो पहले एक था, अभी 4 हो चुके हैं। और एक बार यहाँ पर आ गया मैं, तो मेरा बिल्ला इससे बात करेगा, माई फ्रेंड्स आर सेफ बिकॉज ऑफ यू। सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, शील्ड अनडाइंग एज द बॉन्ड वी शेयर। तो शील्ड स्पायर मिल चुका है मेरे को यहाँ पर पे, राइट। तो यार ये एक तरीका था कि क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर से बात वगैरह करने का। प्रोटेक्टर्स बेसिकली इनके कबीले का नाम है। प्रोटेक्टर्स बोलते हैं ये लोग खुद को। बांकड़ बिल्ला बोलता है आई हैव अर्जेंट म्यूज। चलो बांकड़ बिल्ले से बात करके देखते हैं। तो ये लोग केस्टोडॉन से बात कर सकते हैं।
तो केस्टेडॉन से बात करने का मतलब है, मैं दिखाता हूँ अभी क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले तो मैं नीचे जाऊँगा, और जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ मेरे पास एक नया आइकन आ चुका होगा, यहाँ पर देख सकते हो। शायद आया नहीं है, लेकिन आइकन आने में शायद से टाइम लगेगा, बट खैर ये क्वेस्ट हो चुका है और वहाँ पर देख सकते हो डियाब्लोस खड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से निकल लूँगा और अब मैं जाऊँगा रॉटेन वेल पे, लो रैंकिंग पे ही जाऊँगा क्योंकि लो रैंकिंग पे ही ये सब क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करने पड़ते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने लो रैंकिंग के क्वेस्ट नहीं करे, इसलिए लोडिंग होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। खैर जैसे जैसे रैंकिंग चेंज करते हैं वैसे वैसे क्वेस्ट वगैरह या फिर साइड क्वेस्ट वगैरह, स्टोरी मोड वगैरह भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये होने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा एक लिनियन से बात करने। यहाँ पर देख सकते हो एंडेमिक लाइफ रिसर्चर भी है यहाँ पर, उससे भी बात कर लेंगे, देखते हैं उसके पास कौन से कुछ तो भी नए क्वेस्ट वगैरह हो सकते हैं। ऊपर के रास्ते पे इस तरफ शायद, ये ओडोगेरोन उनके फुटप्रिंट्स है, नाइस। एंडेमिक लाइफ रिसर्चर यहीं कहीं होनी चाहिए, दिख नहीं रही। सही लोकेशन पे तो हूँ मैं, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। मुझे जाना है फिलहाल तो ओडोगेरोन की केव पे, वहाँ पर देख सकते हो कुछ तो भी, वो शायद मेरी ही हैंडलर है। खैर ओडोगेरोन का केव, ओके। केव में जाने का सबसे इजी तरीका यही है कि कैंप से लेकर के नीचे वाला रास्ता उठा लूँ और फिर उसके नीचे नीचे जाऊँ। तो यहाँ हूँ मैं, और यहाँ से अगर मैं नीचे नीचे जाता हूँ तो मुझे ओडोगेरोन का केव मिल जाएगा। ओडोगेरोन यूजुअली कुछ करता नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो डोसाइल है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा एग्रेसिव रहता नहीं है ओडोगेरोन, राइट। तो मुझे बेसिकली जाके इसके केव पे वेट करना है, और बहुत ही स्पेसिफिक इवेंट का वेट करना है मेरे को। ओडोगेरोन जब यहाँ से निकले, राइट, क्योंकि वो एक लाश तो भी लेकर के निकलता है, तो गीली मेंटल पे अपना कर्सर रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर है बेसिकली भी ओडोगेरोन, देख सकते हो, लैंड इन सर्च ऑफ कैरी ऑन टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स नेस्ट, राइट। तो वो कैरी ऑन मतलब कुछ तो भी शिकार के सर्च पे है, या फिर शिकार भी नहीं कहूँगा, ओडोगेरोन यूजुअली स्कैवेंजिंग पे जिंदा रहता है। तो वेट करेंगे, आई मीन गेम यही है, थोड़ा कभी कभी वेट करना पड़ सकता है। वेट करते करते यहाँ पर भी जाके देख लेते हैं। कुछ है नहीं फिलहाल, तो यहाँ पर भी सर्च कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ मुझे किस चीज़ का इंतज़ार है। ओडोगेरोन कभी कभी एक लेगियाना को हंट करके लाता है अपने खुद के गुफा पे, तो मुझे उस हंटिंग इवेंट का इंतज़ार है, क्योंकि जैसे ही वो हंटिंग इवेंट करके लाएगा लेगियाना को अपनी गुफा में, तब मैं अपना क्वेस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन ओडोगेरोन अभी लग नहीं रहा कि कुछ करने वाला है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक काम करता हूँ, क्योंकि ओडोगेरोन को पहले भी मैंने देख रखा है लेगियाना को लाते हुए, तो शायद से हो सकता है कि वो अभी लेगियाना को नहीं ला रहा हो, ताकि क्या कहते हैं, क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी एक बार अकर हो चुका है, तो
शायद से चांसेस है कि वो इवेंट दोबारा अकर ना हो। तो मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से अपने कैंप में वापस जाऊँगा और मैं देखूँगा मेरे पास रॉ मीट के टुकड़े हैं कि नहीं। अगर रॉ मीट के टुकड़े ना हो तो रॉ मीट कलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा। आइटम बॉक्स में जाके देखता हूँ। रॉ मीट मेरे पास नहीं है। परफेक्ट, बहुत ही सही। तो यार ओहो, पैली को यहाँ पर है। पैली को क्या कहता है, नाइस ट्रेल रेडर फ्रॉम बिफोर टॉट मी द ट्रिक टू डूइंग म्याउस्टर कॉल्स, ओके, एंड गेट दिस, व्हेन यू कॉल अ म्याउस्टर दे विल लेट यू हॉप एंड राइड ऑन देयर बैक। तो देखो यार, कहा था ना मैंने कि मॉन्स्टर पर बैठ सकते हैं, तो बेसिकली मैं इसी की बात कर रहा था। तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग मॉन्स्टर्स को मैं राइड कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा एंशिएंट फॉरेस्ट पे, कैंप नंबर 1 पे, और कुछ एप्टनॉथ वगैरह को मारूँगा। एक बार उनको मार दिया, उनसे कुछ रॉ मीट वगैरह मिल जाएंगे, और उन रॉ मीट को लेकर के मैं फिर से आ जाऊँगा रॉटेन वेल पे। याद रखना कभी भी कि ये जो मैं क्वेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, ये सब लो रैंकिंग में ही कर लेना चाहिए ये क्वेस्ट, क्योंकि मास्टर रैंक में अवेलेबल नहीं रहते। जब भी रैंक चेंज करता हूँ लोडिंग का टाइमिंग हमेशा इंक्रीज ही हो जाता है। खैर, ओके, एंशिएंट फॉरेस्ट पे आ चुका हूँ मैं। तो सबसे पहले जाऊँगा एक दो एप्टनॉथ को उड़ाने। एप्टनॉथ सामने ही दिख चुके हैं, नाइस। सामने ही दिख जाते हैं, हमेशा इसी जगह पर मौजूद रहते हैं। एक ख़त्म, ये लड़ने की हालत में नहीं है। तो चलो यार, ये एप्टनॉथ हो गए खत्म, अब इनको लूट लेता हूं। तो रॉ मीट मिल चुका है, मुझे किसी को रिप्लेस करना है। स्मोक नट को ही रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि अभी वैसे स्मोक नट इतना जरूरी नहीं है जितना रॉ मीट जरूरी है। तो दो रॉ मीट मिल चुके हैं यहां पे। ठीक है, रॉ मीट काफ़ी मिल चुके हैं। तो मैप में अभी सीधे लो रैंक के रॉटन वेल पे फिर से मैं चल दूंगा। तो कभी भी याद रखना, मैं जो ये अभी करने वाला हूँ रॉटन वेल पे, ये इवेंट सिर्फ तभी ट्रिगर होगा जब तुम एक बार, एटलीस्ट एक बार, ओडोगेरोन को एक लगियाना की लाश को घसीटते हुए देखोगे। सिर्फ तभी वो इवेंट ट्रिगर होगा। ओके, चल के देखते हैं ओडोगेरोन की गुफा में। मॉन्स्टर हंटर का जो एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख सकते हो ओडोगेरोन यहाँ पर है। फिलहाल तो छुपा हुआ रहूँगा यहाँ पे, पंगे नहीं लेने मेरे को उससे। और क्योंकि मेरा स्टेल्थ फुल है, ओडोगेरोन को मेरे पे शक भी नहीं होगा मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। यहाँ से निकल लूँगा मैं, यहाँ से निकल के इस छोटे से एरिया पे मैं क्रॉल कर लूँगा। ओके, छोटे से एरिया में क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ तो भी होना चाहिए नया। अरे यार, ये तो वैल हजाक का एरिया है जहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ नहीं जाना है वैसे, लगता है दूसरे साइड पे मैं क्रॉल कर गया। खैर, कोई दिक्कत नहीं,
काफ़ी भूल भुलैया जैसे, हाँ इस जगह पे मुझे जाना था। और यहाँ पर कुछ ग्रिमलिकाइंस वगैरह मिल सकते हैं, ग्रिमलिकाइंस यानी कि वो छोटे वाले बिल्ले। और यहाँ पर मेरे को एक मीट रखना पड़ता है, लेकिन रॉ मीट यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी रख नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर किसी को होने के लिए इवेंट्स को ट्रिगर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वोट वगैरह उनके एरिया में जाते हैं। और यहाँ पर कोई एक लेनियन रिसर्चर मिलना चाहिए अपने को, नहीं तो वो इवेंट फिर से ट्रिगर नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पर कौन है, पाइसीन रिसर्चर है, ठीक है, ओडोगेरोन यहाँ पर है। यहाँ से होकर के निकलते हैं। ओहो, एक नई जगह थी ये गुफा, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। ओडोगेरोन अभी तक अपने गुफे के पास नहीं आया, वो इवेंट्स अभी तक ट्रिगर नहीं हुए जिनका मैं वेट कर रहा हूँ। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा उनको ट्रिगर होने में। एक बार फिर से इसी लोकेशन पे जा करके देखते हैं, देखते हैं लगियाना का शरीर वहाँ पर आया कि नहीं, क्योंकि मुझे ओडोगेरोन को घसीटते हुए नहीं देखना है, मुझे बस इतना देखना है कि लगियाना का शरीर बस वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर वहाँ पर रहा तो पैलिकोज वहाँ पर आएंगे। देख सकते हो यहाँ पर कोई शरीर वगैरह कुछ भी नहीं है, एक बार यहाँ के भी अंदर जाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। खैर, ओहो, यहाँ पर कुछ तो भी है। ये सिर्फ हड्डी आई है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से कोशिश करूँगा मैं। लो रैंक में सबसे पहले तो मैं लो रैंक में सलियाना में नहीं जा सकता। ठीक है, थोड़ा मैं चेंज करके देखूंगा, एस्टेरा में वापस जाऊंगा और एस्टेरा से फिर से मैं रूटेन वेल पे आऊंगा। क्योंकि ये चीज़ तब तक करते रहना है जब तक वो इवेंट ट्रिगर नहीं हो जाता। तो बेसिकली लेगियाना के बॉडी का वेट करना है मुझे यहाँ पे। तो थोड़ा अनोइंग है ज़रूर, बट अगर ये वाला क्वेस्ट कर लिया तो मतलब काफ़ी सारे यूज़फुल आइटम्स वगैरह मिल सकते हैं। और जैसे कि वो पहले वाला क्वेस्ट मैंने किया, यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा पैलिको का इक्विपमेंट होना चाहिए। पैलिको कहाँ है मेरा, खैर कोई नहीं। रॉट एंड वेल कैंप 11 पे, ओके यार फिर से वही चीज कोशिश करनी है। और इस बार उम्मीद करता हूँ वो इवेंट हो बस, लग जाने की लाश बस पड़ी हो। तो यार वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन एलिमेंट यही है बेसिकली, कि कभी कभी कुछ नई चीज़ मिल जाती है और वो नई चीज़ कुछ नया इवेंट क्रिएट करती है, और उस इवेंट को सही टाइम पे फॉलो नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर याद होगा पहले के कुछ क्वेस्ट वगैरह पे अपने को क्या कहते हैं, लेगियाना की लाश मिली थी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया नहीं,
तो अभी करना पड़ रहा है उसको, और अभी देख सकते हो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। ओके यहाँ पर देखते हैं, एंडेमिक लाइफ रिसर्चर यहाँ पर है। ओके ग्रिमलीकाइन, ओके यहाँ पर देख सकते हो यार लगियाना की लाश है, तो शायद इवेंट ट्रिगर हो चुका है। ये देखो यहाँ पे, बहुत सही। तो ये डिस्कवर कर लिया अपन ने, ठीक है। ओडोगेरोन की फुटप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर है, तो ओडोगेरोन को फॉलो नहीं करना मेरे को बेसिकली। मेरे को लिगियाना के कॉर्प्स के, ओके कॉर्प्स को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को बेसिकली अभी जाना है एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ से उनके गुफाओं तक मैं पहुँच सकूँ, और वहाँ पर अगर मैं मीट रखूँ, राइट, मेरे पास जो रॉ मीट है, तो उन रॉ मीट के चक्कर में ग्रिमलीकाइंस मेरे पास आ जाएंगे, और उसी टाइम पे मैं उनको कैप्चर तो नहीं करूँगा लेकिन उनसे बात किया जा सकता है। रॉ मीट को मैं इक्विप कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा बिल्ला मेरे को अभी साइड में इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा, बोलता रहेगा कि क्या क्या करना है। ये देख सकते हो यार ग्रिमलीकाइन यहाँ पर है। बांकड़ बिल्ला बोलता है देयर इट गोज अगेन, ठीक है, लेट्स हाइड एंड सी व्हाट हैपेंस। तो हाइड करने से पहले मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एक रॉ मीट ऐसे करके रख दूँगा, ठीक है, और हाइडिंग के लिए मैं बांकड़ बिल्ले के पीछे जाऊँगा इस जगह पे, इस एरिया पे। तो वहाँ देख सकते हो वो ग्रीन कलर का मार्क है, राइट। ग्रिमलीकाइन अभी गाना वगैरह गा रहे, और वो देखो ग्रिमलीकाइन अभी मीट के पास आ गया, और वो अपने दोस्तों को भी लेकर आ गया, देख ही सकते हो यहाँ पे अभी नाच रहे। तो बिल्ला अभी सिग्नल देगा, बोलेगा कि कब जाके बात करनी है, नाउ इज़ आवर चांस, आई'ल गो टॉक टू दोज ग्रिमलीकाइंस, ठीक है। तो इसी टाइम पे अपने को पास जाना है, और ये देखो स्ट्रेंज हिडियस अपीयरेंस, अपने बिल्ले को टेक्निकली उसने अगली बोल दिया। फूड इज स्केयर्स हियर इन द वेल, इट्स हंग्री लिविंग फॉर दोज लकी इनफ टू गेट बाय। आई बिलीव इट वी आर हैविंग अ रफ इनफ टाइम जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द प्लेस। इट सीम्स वी बोथ हैव आर शेयर ऑफ वोज, बट आई मस्ट रीपे यू फॉर द मील, परहैप्स यू विल एक्सेप्ट द हेल्प फ्रॉम द प्लंडरर्स, ठीक है। द गैजेट इज़ अ टोकन ऑफ आर फ्रेंडशिप, प्लीज टेक इट, आई वुड लव टू थैंक्स। तो यार इन्होंने हमें प्लंडर ब्लेड दे दिया, बेसिकली एक और पैलिको गैजेट। तो इनसे अभी जाकर बात कर सकते हैं। निंजा नाम है इस बंदे का, ठीक है। तो यार ये हो चुका है, ये क्वेस्ट भी हो चुका है, तो वापस चल के सेलियाना में चल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो जो मैंने कलेक्ट किया उसका क्या क्या काम है, और वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। ओके ठीक है, फील्ड टीम लीडर भी बोलते हैं कि हेल्प चाहिए उसको किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अभी मैं जाता हूँ तो देख सकते हो चेंज पैलिको इक्विपमेंट में जाऊँगा मैं, और यहाँ पर देख सकते हो पहले सिर्फ एक ही इक्विपमेंट था, अभी और दो है, शील्ड स्पायर है और प्लंडर ब्लेड है, राइट। तो ऐसे करके एक और भी कलेक्ट कर सकते हैं जितना, ओहो बैंकेट बिल्ले के पास कुछ और भी है बोलने के लिए। कॉल फॉर ए न्यू स्पीशीज, आई टीच यू राइट नाउ। गीरोज को बुला सकते हैं अभी रोटेन वेल पे, बहुत सही। तो अभी एक और चीज़ है, एक और एरिया है जहाँ पर
क्या कहते हैं, एक और गैजेट अपने को मिल सकता है कोरल हाइलैंड्स में, तो मैं वही करूँगा, कोरल हाइलैंड्स के कैंप 12 में निकल के देखूँगा। और देखते कैंप 12 में अपने पास क्या क्या है। ओके तो यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ करना है, और ये स्पेसिफिक चीज़ सिर्फ हंटिंग से नहीं एक्सप्लोरेशन को भी क्या कहते हैं एक्सप्लोरेशन पर भी डिपेंडेंट है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है ना, एक कैंप के एरिया में जाना है मुझे। चढ़ क्यों नहीं पा रहा मैं। हाँ तो यहाँ पर देख सकते हो यार, काफ़ी सारे नए एरियाज़ हैं जिसको मैंने डिस्कवर नहीं किए, तो वही करेंगे, नए एरियाज़ को डिस्कवर करने निकलेंगे। ओह देख सकते हो यहाँ पर पहले ही मिल चुके हैं, ये किस्मत अच्छी थी। यूजुअली कभी कभी ये वाले ग्रिमलिकन्स यहाँ पर रहते नहीं है, तो बेसिकली क्या करना है मुझे, इनको हराना है। ये लो हरा दिया। तो अभी इन स्काउट फ्लाइज को मुझे बेसिकली फॉलो करना है। तो इनको बेसिकली हराना ही होता है, और इनके स्काउट फ्लाइज को फॉलो करना होता है, और वो उसको और वो इनके गुफा तक मेरे को लेके जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो यार, एक पाइसीन रिसर्चर है, तो ये बेसिकली मछलियों पे रिसर्च करता है। तो स्काउट फ्लाइज को फॉलो करूँगा मैं यहाँ पे, और जैसे ही उनके गुफा तक पहुँचूँगा वो मेरे को एक नया क्वेस्ट देंगे। ओह यहाँ पर कुछ तो भी नया है, पर्ल ऑयस्टर, नाइस। यार देख ही सकते हो इस एरिया पे मैं पहले कभी आया नहीं था, एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सही जगह है ये। इनफैक्ट पूरे सीरीज में मैंने मॉन्स्टर हंटर के एक्सप्लोरेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि सही चीज़ नहीं है, क्योंकि गेम में एक्सप्लोर करने में अलग ही मज़ा है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है अपने पेलिकोस वगैरह। वॉट्स द बिग आइडिया यू बिग जर्क्स, ट्रूपर्स है इन लोगों का नाम। वॉट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑन बिहाफ ऑफ रिसर्च कमीशन। इन दैट केस विल ग्लैडली लेंड अ पॉ, वेरी जेनरस टू ऑफर इट, लेट द हंट बिगिन। ओके तो एक छोटा सा क्वेस्ट मिला है, 4 स्टार का है, वो भी लो रैंक में, दो दो टिट्जी आकू को हंट करने हैं मेरे को। तो ठीक है चल लेते हैं कैंप में, और कैंप में जा कर के जो हैंडलर है उससे क्वेस्ट एक्टिवेट करवा लेते हैं। तो बेसिकली हैंडलर फ्लेम रिवॉर्ड्स क्वेस्ट यहाँ से एक्टिवेट होना तो चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा। ओके पोस्ट न्यू क्वेस्ट, राइट, लो रैंक में जाऊंगा, ऑप्शनल में जाऊंगा, और लेवल 4 पे यहाँ पर देखूंगा ट्रबल ट्रूपर्स, राइट। तो इस क्वेस्ट को मैं एक्टिवेट कर लूंगा। वैसे डिपार्ट करने के लिए कोई जगह है नहीं, वापस आके यहीं पे रुकना है। तो जैसे ये क्वेस्ट ख़त्म होता है वैसे ही उन ट्रूपर से जाके मुझे फिर से बात करनी पड़ेगी, और एक बार बात कर लिया तो वो ट्रूपर्स हेल्प करेंगे मेरी अगले क्वेस्ट वगैरह पे। ओके अभी टिट्जी आकू को मेरे को ढूंढना है। टिट्जी आकू नाम अजीब है, खैर। फुटप्रिंट्स वगैरह मुझे मिल नहीं रहे, और इसीलिए सबसे पहला जो निशान है वहां पर जाके मैं देखूंगा। ग्रेट स्वॉर्ड लाकर गलती कर दी, बट खैर कोई दिक्कत नहीं, मास्टर रैंक का ग्रेट स्वॉर्ड है, ज़्यादा हिट्स नहीं चाहिए इसको मारने के लिए।
अरे यार मिस हो गया वो। बस एक चार स्लैश और ये खत्म। लगा ही था चार स्लैश जो है मिस हो गया मेरे से। खैर कोई दिक्कत नहीं। ओहो यार लग क्यों नहीं मेरे को। ऑफ कोर्स स्टन हो चुका हूं मैं। फिर से स्टन। बढ़िया ये यहीं पर खत्म होने वाला है। बहुत सही। तो एक टिट्जिया को खत्म, अब दूसरे को भी पकड़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे साथ बांकड़ बिल्ले के साथ ट्रूपर का भी मेंबर आ रहा है। तो ट्रूपर कोई नाम नहीं है बिल्ले का, बेसिकली इनके कबीले को कलेक्टिवली ट्रूपर बोलते हैं। जैसे एक कबीले का नाम था प्रोटेक्टर्स, एक कबीले का नाम था ग्रिमलिकाइन, और इस कबीले का नाम है ट्रूपर। ओके इस पर तो सवार होना है मेरे को। नाइस। मास्टर रैंक के वेपन से लो रैंक के उसको एक ही बार हिट करने से ही पूरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है। तो देख सकते हो यार वो कोई तो भी एक तरह का हॉर्न बजा रहा है। और वो जो हॉर्न बजा रहा है उससे मेरे को बहुत अलग अलग तरह के बफ्स मिल रहे हैं। तो स्टेटस बूस्ट वगैरह या फिर कोई तो भी अलग तरह का बफ रहता है तो वो मिल रहा है। तो ठीक है यार दोनों टिट्जिया को ख़त्म। लूटो ला लूटो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लो रैंकिंग का था वो। तो अभी ट्रूप का मेंबर भी अपने साथ है तो उसने देख लिया है। और ट्रूप का मेंबर अपने को जैसे ही क्वेस्ट खत्म होता है एक नया रिवॉर्ड देगा। वन शॉट में गया ये तो। यहां पर हंटिंग नहीं, यहां पर मैं पोचिंग कर रहा हूं बेसिकली। इनको पकड़ने की कोशिश करता हूं। हाँ एक पकड़ पे आ गया। विगलर्स यूजुअली उनके पास जाते ही वो लोग एकदम से छुप जाते हैं। तो ये हो चुका है। अब यहां पर रिवॉर्ड स्टेटस में ट्रूपर्स का भी एक हिस्सा दिखाएगा। ट्रेल राइडर वाउचर देखो मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो पैलिको लेवल और ट्रेल राइडर यूनिटी ट्रूपर्स तक पहुंच चुका हूं मैं। राइट वॉरियर्स ऑफ द रिसर्च कमीशन आई सल्यूट योर ब्रेव एंड जेनरस हार्ट्स। नाइस एक्सेप्ट दिस गैजेट विद माय थैंक्स। दिस इंस्ट्रूमेंट प्लेज ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग हार्ट्स, इट्स मेलोडीज विल एड यू। That's found me outstanding. Thank you. ठीक है रिसीव पैलिको गैजेट कोरल ऑर्केस्ट्रा। राइट तो यार इतना ही था इस चीज़ के लिए क्योंकि मुझे सिर्फ तीन गैजेट्स लेने आते हैं और गेम में और भी पैलिको गैजेट्स है। मुझे नहीं पता उनको कैसे कलेक्ट करना होता है, लेकिन ये है कि शायद अगले कुछ एपिसोड्स में मैं बताऊँगा कि ये सब पैलिको गैजेट्स कैसे कलेक्ट करते हैं। चलो फिर से सलियाना में निकल लेते हैं। देखते हैं अपने पास कुछ और है कि नहीं। hey! तो यहाँ पर देख सकते हो अपना जो फील्ड टीम लीडर है वो बोल रहा है उससे बात करने के लिए।
तो चलो उससे बात करके देखते हैं, देखते उसके पास क्या कुछ है। फील्ड टीम लीडर बोलते, hey, look like things are going smoothly out in guiding lands. I've got an urgent quest here for the field team. The names sleep now in the fire. It's out in the ancient forest. Yeah. Our scholars out there are struggling. They said they could use some of our fifth fleet muscle. Taking care of this should free up a lot of resources for the guiding lands research. Who knows what new breakthroughs that could net us. We are counting on you, Hunter. Okay, sleep now in the fire. दो tempered monsters है, tempered यानी कि जिनका damage ज़्यादा रहता है, और इसमें है एक Rathian, और क्या नाम था इसका, Nightshade Paolumo. ठीक है, इनको hunt कर सकते हैं, तो basically guiding lands में और ज़्यादा help मिलने वाली है. अच्छा, एक और चीज़, अगर तुम्हें याद होगा, मैंने गाइडिंग लैंड्स का दूसरा वाला जो कैंप रहता है उसको भी मैंने अनलॉक कर लिया था, शायद वो मैंने पिछले एपिसोड पे दिखाया था. तो चलते हैं नए क्वेस्ट पे, पोस्ट न्यू क्वेस्ट. असाइंड में देख सकते हो यहाँ पर है स्लीप नाउ इन द फायर, राइट. तो अभी मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, और देख सकते हो साइड में मेरे को कुछ तो भी मैसेज आया है. Meowster, I have urgent news. Okay, Bankard Ville ke paas urgent news hai. Troopers we made friends with in the Coral Highlands. Theek hai. How to speak with the Shamos? To abhi Shamos se baat kar sakte hain. Right? Aur Shamos se agar baat kar paaye to Shamos par sawari bhi kar sakte hain. To change equipment mein jaunga main, aur is baar main equip karunga Flaming Tutza. यानी कि मेरा इंसेक्ट ग्लेव, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए इंसेक्ट ग्लेव ही सबसे बेस्ट वेपन है. पोस्ट न्यू क्वेस्ट में जाऊंगा, मास्टर रैंक असाइंड, और इसको मैं कर दूंगा सेलेक्ट. नाइस, क्वेस्ट रेडी है. चलो क्वेस्ट के लिए निकल लेते हैं. राइट, क्वेस्ट गेम थोड़ी सी FPS ड्रॉप हुई, पता नहीं क्यों, बट खैर. सबसे पहले तो मेरे को मारना है Rathian को. एक चीज़ भूल गया मैं, कि ये मास्टर रैंक क्वेस्ट है, हाई रैंक नहीं. तो Rathian को मारने से पहले मैं जाके करके आऊँगा मील, क्योंकि बिना मील के मुझे नहीं. ओहो, इसके पास भी कुछ है बोलने के लिए. शेफ चॉइस प्लेटर यही बेस्ट है, तो इसको खा के निकल लेते हैं अभी Rathian को हंट करने के लिए. तो स्टोरी क्वेस्ट है ये, अगर असाइंड में कोई भी क्वेस्ट आता है तो वो स्टोरी क्वेस्ट होता है. ऑप्शनल क्वेस्ट भी यूजुअली स्टोरी क्वेस्ट ही होते हैं, लेकिन वो बेसिकली कह सकते हो कि साइड क्वेस्ट टाइप का है. उनको कंप्लीट करने पर मतलब कुछ नई चीज़ें मिलती है बस, और वो नई चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है. तो Rathian यहीं पर ही है, देख सकते हो. इसके ऊपर तो सबसे पहले मैं ये गिराऊंगा. और सबसे पहले मैं इसको करूंगा टेंडराइज. सर को भी कर दूंगा टेंडराइज. दूसरे पंख को भी पकड़ लिया. टेंडराइज, नाइस. तो शायद से बॉल बैंक नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाया, खैर कोई दिक्कत नहीं. एग्रो हो चुका है लेकिन अभी मेरे पे.
एंशिएंट फॉरेस्ट मैप मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि एक तो इतना कंजेस्टेड एरिया रहता है। मैप खूबसूरत है गलत मत समझना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है एंशिएंट फॉरेस्ट, एक भूल भुलैया की तरह लगने लगता है फिर, तो उसमें लड़ना कम और नेविगेट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ अभी अगर वाइल्ड फायर वेस्ट पे चल रही होती तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाता है। इसके सर पर हमला करना है मुझे। अरे यार मिस हो गया, अब नहीं होगा। नाइस, विंड प्रेशर से मैं उड़ गया यार, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो यार इसका विंड प्रेशर भी कितना ज़्यादा है, और देख सकते हो मेरा बिल्ला एक कैस्टोडॉन पर बैठ चुका है। तो यही फायदा था वो ऑप्शनल क्वेस्ट करने का। ये कैसा है यार, मतलब एकदम कॉर्नर हो चुका हूँ मैं, एक तो विंड प्रेशर भी है। देख ही सकते हो यार आधे टाइम मुझे समझ ही नहीं रहा कि नेविगेट कैसे करना है। राथियन निकल चुका है दूसरे लोकेशन पे, होपफुली अभी ऐसे लोकेशन पे होगा जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होगा एटलीस्ट लड़ने के लिए। इतना कंजेस्टेड में तो यार नहीं लड़ा जाता, इनफैक्ट वीडियो में भी आधा टाइम समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा बेटर एरिया है, देख सकते हो सनलाइट है, थोड़ा ब्लैंक स्पेस है। शॉट थी, अरे लग क्यों नहीं रहा यार, अजीब बात है। ओहो, बहुत ही कैलकुलेटेड शॉट था वो। लगी ही नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो खुद को मैं कर लूंगा हील। इसको एक वॉल बैंक तो बनता है। नाइस, अच्छा शॉट, नहीं 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 नहीं, बढ़िया।
चार फिर से नहीं, उसका वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये भी दिक्कत है कि मैं बार बार हवा में जाके उसको उस अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि करना नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी है बेसिकली। टेंडराइज हो चुका है, नाइस। स्टिंगर बॉम्ब, एक और विगर वॉस्प है, इसको भी यूज करके हील कर लेता हूँ खुद को। तो रैथियन अभी उसी एरिया पे आ चुका है जहाँ पर यूजुअली रहती है, बस दिक्कत यह है रैथलॉ उसको ना बुला ले अभी। और ये एरिया मेरे को और ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि एक तो इतने सारे पेड़ है, आधी चीज़ दिखती नहीं है। इंसेक्ट हो चुका है चार्ज, बहुत सही, अच्छा अटैक है ये। बुरा था, बहुत बुरा था। ओके, पावर अप मिल चुका है। रैथियन कमजोर हो चुका है, नाइस। कमजोर हो चुकी है, दूसरे पंख को भी मैं कर दूंगा टेंडराइज, बहुत सही। गजल आगाज, बहुत गुस्सा आता है मुझे उनपे। एक और सवारी, गजल आगाज कभी कभी हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन वही है कि ये ब्लाइंड फायरिंग करते हैं एकदम, तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लगे या मॉन्स्टर को लगे। लेकिन एक बात तो है कि इन गजल आकाश को भी डिफ्रेंड करने का एक तरीका होगा तो मुझे पता नहीं है। शार्पनेस मेरी कम हो चुकी है, देख सकते हो। बढ़िया हेडशॉट था वो। और ये हो चुका है शार्पन, हट। जाने से पहले इसको मारने की कोशिश करता हूं, अनसक्सेसफुल। खैर कोई दिक्कत नहीं, जाएगी तो ये एक ही जगह पे, और उससे पहले मैं वहां पर पहुंचा हुआ रहूंगा। ये जाना इसको अपने नेस्ट पे ही है जितना मुझे पता है, तो इससे पहले ये अपने नेस्ट पे जाए मैं इसके नेस्ट पे चला जाऊंगा और वहीं पर इसका वेट करूंगा। और जैसे इसको मारता हूँ नाइट शेड पा लूंगा, तो देख सकते हो यार आ चुकी है अपने नेस्ट पे। वेट करते हैं थोड़ा इसका, ऑफ कोर्स
बढ़िया। तो यार राथियन खत्म है यहाँ पे, लूट लेता हूँ मैं इसको। अब मुझे ढूंढना है नाइट शेड पावलूमु। नाइट शेड पावलूमु वो भी टेम्पर्ड ही होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि नाइट शेड पावलूमु मेरे को बार बार सुला सकता है, और अगर मैं सो गया और सोने के बाद जो अटैक पड़ता है वो बेसिकली मेरे पर भी डबल डैमेज जाता है, तो वेकअप हिट्स यानी कि मेरे पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने मॉन्स्टर्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले निकल लेता हूँ मैं पहले कैंप पे, और पहले कैंप से ही मैं नाइट शेड पावलूमु के जो भी फुटप्रिंट्स वगैरह है वो सब देखना शुरू करूँगा। तो यार इनसे जो है एप्टनॉथ वगैरह से अपने को हेल्थ मिलती है, तो बेसिकली अपना जो किन्सेक्ट है वो अगर एप्टनॉथ को काटे तो वो थोड़ी थोड़ी हेल्थ वगैरह रीजनरेट करते रहते हैं। ओके, ढूंढना है मुझे नाइट शेड पावलूमु। इतनी आसानी से तो वो दिखेंगे नहीं, और ऑफ कोर्स जैगराज मेरे पर आग्रह हो चुके हैं, बट मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि फालतू की परेशानियों की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर कुछ नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि नाइट शेड पावलूमु का मेरे को वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक मॉन्स्टर डीस्पॉन होने के बाद ही दूसरा मॉन्स्टर स्पॉन होता है, तो जैसे ही राथियन डीस्पॉन होती है उसी मोमेंट पे नाइट शेड पावलूमु स्पॉन होगा। और यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकता हूँ राथियन अभी तक यहीं पर है और अभी डीस्पॉन हुई है वो, तो यही टाइम है नाइट शेड पावलूमु को स्पॉन हो जाना चाहिए वैसे तो। गेम की सबसे बुरी बात यही लगती है कि जब ज़रूरत पड़ती है कि दोनों मॉन्स्टर एक साथ ही आके अटैक करे तब वैसा नहीं होता, लेकिन जब ऐसा होता है कि दो मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकते उसी टाइम पे दोनों मॉन्स्टर एक साथ आकर अटैक करते हैं, खैर क्या कर सकते हैं। फिर से आ गया हूँ नंबर वन कैंप पे, और फिर से तलाश शुरू कर रहा हूँ मैं नाइट शेड पावलूमु की। यहाँ से नहीं हो पाता तो एक और कैंप है, मैं चाहे तो यहाँ पर भी जाके तलाश शुरू कर सकता हूँ। राइट ओके, पहले फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं मेरे को, यहाँ पे देख ही सकते हो। ओल्ड फर पावलूमु के ही फुटप्रिंट्स है मोस्ट डेफिनेटली। यार इनकी बारात आ जाती है मेरे को अच्छा नहीं लगता। चलो इनकी बार आज चली गई। और फुटप्रिंट्स है यहाँ पे, उसको मैं कर लेता हूँ कलेक्ट। नाइट शेड पावलूमु का रिसर्च लेवल शायद मेरा ज़्यादा है नहीं, और वही रीज़न है कि बार बार मेरे को फुटप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट करने पड़ रहे हैं।
क्योंकि जितना मेरे को याद है नाइट शेड को मैंने इतना ज़्यादा हंट नहीं किया जितना बाकी मॉन्स्टर को। और वो देखो यार वहाँ पर है। इसकी भी दहाड़ काफी अच्छी है। सबसे पहले तो मैं इसको नीचे गिराऊंगा और देख ही सकते हो एक जगह पे अटक चुका है ये पेड़ों की बेलों पे। पावर अप्स नहीं मिले मेरे को, खैर कोई दिक्कत नहीं। पहला पंख टेंडराइज। दूसरा पंख टेंडराइज। दूसरा पावर अप भी कलेक्ट। किनसेक को चार्ज करना है मुझे तो उठा लेता हूँ मैं पीएसपी पॉड। और मैं शायद पावलोमो को एक और हिट दे सकता हूँ। डायरेक्ट चार्ज था वो। बस नाइस। बहुत सही। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा जागराज मेरे बीच में मरने के लिए क्यों आ रहे हैं। बस बस अब आ गया विंड प्रेशर की बात। विंड प्रेशर नहीं, ये बेसिकली स्लीप प्रेशर है। स्लीप प्रेशर यानी कि सोने वाला गैस। होपफुली जो फाइनल हिट है वो पावलोमो के हेड पर ही दे सकूं। इंसेक्टलेव का यही फायदा है, पावलोमो के खिलाफ बहुत ही अच्छा मैचअप है इंसेक्टलेव। क्योंकि इसको कभी भी मैं हवा में अटैक कर सकता हूँ और जितनी बार हवा में जाएगा उतनी बार इसको हवा से गिराऊंगा मैं। शार्पनेस कम हो चुकी है मेरी और ये कर लिया मैंने फिर से शार्पन। ओहो क्या बात है। बिल्लो को पैरालिसिस वेपन देने का यही फायदा है। कभी भी किसी को सुला देते हैं कभी भी। अरे यार मेरे अटैक और उसका अटैक क्लैश हो गया फिर से। नहीं और ये बढ़िया शॉट। फिर से सवारी टाइम है। ये अजीब चीज है। अरे यार मेरे को चक्कर आने लगे, मेरे को चक्कर आने लगे। गया मैं, बच गया मैं। नाइस। बांकड़ बिल्ला सो गया। इसके स्लीप गैस से बच के रहना पड़ेगा जैसे भी करके। देख ही सकते हो। अरे यार नहीं फिर से नहीं, जाना मत। कोई दिक्कत नहीं। बांकड़ बिल्ला फिर से सो गया। इसको जगाना पड़ेगा और ये जग गया और ये फिर से सो रहा है। बाहर निकल भाई। वो अभी तक स्लीप गैस में है, उसको पता भी नहीं चल रहा क्या करना है।
खैर कोई दिक्कत नहीं पालू मुंह के पीछे चलता हूँ मैं, और क्योंकि यहाँ पर एप्टनॉथ भी है, थोड़ी सी हेल्थ वगैरह इससे स्टील कर लेता हूँ। बिल्ला वापस आया? हाँ बिल्ला वापस आ चुका है, नाइस। देख सकते हो पैरालिसिस फ्रॉग है यहाँ पे। पालू वो पैरालाइज क्यों नहीं हुआ यार? पूछ को भी कर देता हूँ टेंडराइज। पंख बाकी है, पूरे शरीर को टेंडराइज करके मारू कभी भी, क्योंकि एक बार टेंडराइज हो जाते हैं ना ये लोग तो इनके वीक पॉइंट्स जो है वो पड़ जाते हैं, और जो डैमेज है वो बेहतरीन जाता है। बढ़िया डॉज रोल। फिर से फूल चुका है वो, मेरा बिल्ला भी फिर से सो जाएगा। ओहो नाइस, अच्छी सवारी थी। तो यही है यार, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो लोग वैसे वैसे उस पर सवार हो जाओ। पेड़ों के बीच में हुई हूँ मैं, सर पे स्लैश फ्यूरी आ चुका है, नाइस। मैक्सिमम डैमेज, बहुत सही। गलत जगह पे एम किया मैंने, इतनी जल्दी। अरे यार मैं यहां पर चढ़ भी नहीं सकता। ओ चढ़ सकता हूं शायद से। और पावलोमू जो है वो कमज़ोर हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है, तभी उसने भागना शुरू किया। और देख सकते हो यार उनका लोकोमोशन भी कितना सोचा समझा हुआ है। पहाड़ों पे जंप करते हुए जा रहा है वो। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छी बात है। फिर से एप्टनॉथ से थोड़ा हेल्थ बोरो कर लूँगा मैं। सर को कर दूंगा टेंडराइज। बहुत ही बुरा बचा मैं वहां से। नहीं, एक सवारी प्लीज, नाइस। जितनी बार वो ऊपर चढ़ेगा उतनी बार मैं उस पर सवार होऊंगा, उतनी बार उसको नीचे गिराऊंगा, फिर और मारूंगा। फ्लैश्ल्यूरी नाइस। अच्छा एक और मिल सकता है,
हाथ से शार्पन कर लेता हूँ ताकि डैमेज जो है वो फुल जाए। वो शॉट मिस कैसे हुआ मेरी समझ नहीं आ रही। खैर नाइट शेड पालूमू कहाँ रहता है? क्रॉस का मार्क नहीं आ रहा लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इस तरफ जा रहा है। तो होपफुली अगर मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे उसके नेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो होपफुली अगर मैं इस कैंप के पास जाऊँ तो हो सकता है मैं नाइट शेड पालूमू के करीब रहूँगा। और क्यों ना यार इसको कैप्चर कर लूँ मैं, क्योंकि वैसे ही काफ़ी टाइम निकल चुका है। तो ट्रैप्स होने चाहिए मेरे पास, ट्रैप्स नहीं है मेरे पास। मैनेज आइटम्स और लोड आउट में कर लेता हूँ ये वाला सेट। नाइस, काफ़ी करीब है तो इसी कैंप के पास आना था मेरे को, डिसीजन सही था। नाइट शेड अभी तक सोया नहीं है, शायद यहीं पर सोने जा रहा है वो। और नाइट शेड हो चुका है कैप्चर और अपना हंट हो चुका है खत्म। और क्योंकि मैंने इसको कैप्चर किया है तो हंट ख़त्म होने की टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो 60 सेकेंड मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। ज्वेल मिला है मेरे को, जंपिंग ज्वेल। जंपिंग ज्वेल बुरा नहीं है, जो इवेंट एक्सटेंशन का स्किल होता है वो बढ़ा देता है। द गाइडिंग लैंड रीजन लेवल कैप हैज़ बीन रिमूव्ड। ओके, तो पहले क्या रहता है कि गाइडिंग लैंड्स में रीजन के लेवल के जो कैप्स होते हैं वो रहते हैं, तो अभी वो रिमूव हो चुका है। मास्टर रैंक कैप जो है रिमूव हो चुका है। खैर हार्वेस्ट बॉक्स भी तैयार है, कलेक्ट हार्वेस्ट। तो इससे बहुत सारे फास्ट फार कास्टर में क्राफ्ट कर सकता हूँ। ट्रेल राइडर सफारी भी वापस आ चुकी है, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है। नाइस, तो इसको करता हूँ मैं एग्जिट और देखते हैं अभी किसी का क्वेस्ट वगैरह मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं। ज्वाइन ए क्वेस्ट, स्टर्लिंग प्लाइड, इवेंट्स में देखते हैं, कुछ खास नहीं है। डुएट राइम, फेस्टिवल ऑफ एक्सप्लोजन्स बुरा नहीं है, लेकिन फेस्टिवल ऑफ एक्सप्लोजन्स में मिलता क्या है? फायर प्रूफ मेंटल मिलता है, तो ज़रूरी नहीं समझूंगा मैं इतना। गाइडिंग लैंड्स में देखता हूँ अगर मैं किसी को ज्वाइन कर सकता हूँ तो। अवेलेबल पे, योर रैंक इज़न्ट हाई इनफ, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। स्मिथि के पास एक बार चल लेते हैं। और एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, गार्डिंग लैंड्स में कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के बाद मेरे को एक अच्छी चीज़ मिली थी और वो है ऑगमेंट इक्विपमेंट। तो यार ऑगमेंट का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं जाऊँ और किसी इक्विपमेंट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ऑगमेंटेशन के स्लॉट्स मुझे मिलते हैं, वॉरियर स्ट्रीम स्टोन जो भी रहते हैं। और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ना, हेल्थ रीजनरेशन बढ़ा सकता हूँ अपना। हेल्थ रीजन बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जैसे मैं मॉन्स्टर को अटैक करता हूँ वैसे वैसे मेरा हेल्थ जो है वो रीजनरेट होता रहता है, तो वो अलग ही लेवल की चीज़ होती है। स्ट्रीम स्टोन भी देख सकते हो काफ़ी है, तो वो एक अलग चीज़ है। और अंजनाथ जेम चाहिए वो तो मिल ही जाता है। उसके बाद अफिनिटी इंक्रीज भी है, तो हेल्थ रीजन में स्टैक अप करके दो भी लगा सकता हूँ। और डिफेंडर कटाना में अगर मैं लगाऊँ तो, डिफेंडर कटाना यार मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा वेपन है
जो यूजुअली मास्टर रैंक के कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर्स में भी यूज़ हो सकता है, तो वेपन बुरा नहीं है। और हायर लेवल के वेपन्स में भी देख सकते हो, अगर मैं इसमें जाऊँ तो हेल्थ रीजन का एक है, और इसके लिए काफ़ी क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें चाहिए जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका मतलब यह है ये सब चीज़ें मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं करी है, और एक बार उनको कलेक्ट कर लूँ तो क्या कहते हैं मेरा हेल्थ रीजन और बढ़ सकता है। तो ये था गोल्डन लेवल का। इनफैक्ट सिल्वर लेवल के जो वेपन्स हैं उनमें भी हेल्थ रीजन का एक अलग सा लगता है, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यार मैं इनको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। तो ये है लॉन्ग सॉर्ट्स, ये है ग्रेट सॉर्ट्स, और ये है इंसेक्ट ग्लेव्स। नाइस। तो अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मेरे को ग्रेट सॉर्ट क्यों नहीं दिखा रहा। आइस विंग ऑगमेंट में आइस विंग मेरे को इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आइस विंग को जो है मैं वो और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ नॉर्मली भी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर देख सकते हो वेल्काना क्रिस्टल चाहिए मुझे आइस विंग अपग्रेड करने के लिए। तो वेल्काना क्रिस्टल तो है नहीं मेरे पास, तो देखता हूँ मेल्डर के पास अगर मैं वेल्काना क्रिस्टल क्राफ्ट कर सकूँ तो। मेल आइटम्स में जाऊँगा, वेल्काना क्रिस्टल, लेकिन मेरे पास सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट नहीं है। तो सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं स्टीम वर्कशॉप पे जा सकता हूँ या तो इसके पास। तो अगर इसके पास मैं रजिस्टर बाउंटीज़ में जाऊँ तो यहाँ का मैं बाउंटीज़ वगैरह देख सकता हूँ। लिमिटेड बाउंटीज़ में मेरे को एक क्रिस्टल वाइवेरियन ब्लू प्रिंट मिलता है। एक बर्ड वाइवर्न को हंट करने पर, मास्टर रैंक बर्ड वाइवर्न को हंट करने पर, एक एल्डर ड्रैगन को मारने पर हाई रैंक में, ओके हाई रैंक में मैं मार सकता हूँ एल्डर ड्रैगन को। कोरल हाईलैंड्स, ओके फील्ड रिसर्च इवेंट, तीन इवेंट क्वेस्ट मेरे को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक एल्डर ड्रैगन का इवेंट क्वेस्ट कर लूँगा मैं, जो और एक कोरल हाईलैंड का इवेंट क्वेस्ट कर लूँगा मैं, तो दो इवेंट क्वेस्ट तो इससे कंप्लीट हो जाएंगे हाई रैंक और मास्टर रैंक का। और बर्ड वाइवर्न का इवेंट क्वेस्ट भी मैं देखता हूँ अगर कंप्लीट कर सकूँ तो। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा पोस्ट न्यू क्वेस्ट मास्टर रैंक के इवेंट क्वेस्ट में, और देखता हूँ यहाँ पर बर्ड वाइवर्न का कुछ क्वेस्ट है कि नहीं। कोरल हाईलैंड एवरी हंटर्स ड्रीम, पूके पूके बर्ड वाइवर्न है और वो कोरल हाईलैंड पे है, तो दो चीज़ें एक साथ कंप्लीट हो सकती है। ये एक अच्छा इवेंट क्वेस्ट है, और देखता हूँ मैं और कुछ हो सकता है कि नहीं। तो वही सबसे इजी लग रहा था मेरे को, तो मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ, कोरल हाईलैंड में निकल लेता हूँ और एक पूके पूके को ख़त्म कर देता हूँ। चेंज इक्विपमेंट में क्लिक करूँगा और स्टैंडर्ड लॉन्ग शॉट उठा लूँगा मैं, पूके पूके के लिए यूजुअली सबसे बेस्ट वेपन होता है। डिपार्ट नाउ। बहुत ही गलत जगह छोड़ा है इस बंदे ने मेरे को। यहाँ पर कुछ है या नहीं है? कुछ भी नहीं है। खैर आप अपने कैंप में ही निकल लेता हूँ मैं, और कैंप पे जाकर सबसे पहले तो मैं मील कर लूँगा क्योंकि कोरल पूके पूके से यार मेरे को नफरत है। उसका आधा टाइम तो मेरे को ब्लाइट वगैरह कम करने में लगता है। तो एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, वैसे अगर मैं कस्टमाइज रेडियल मेन्यू पे जाता हूँ, क्वेस्ट सेटिंग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर ईजी रेशन की जगह या फिर फर्स्ट एड मेड की जगह मैं यहाँ पर नलबेरी डाल सकता हूँ। देखता हूँ नलबेरी मेरे पास है कि नहीं। नलबेरी है, नाइस। तो नलबेरी आ चुका है और चल लूँगा मैं पूके पूके को ख़त्म करने। हाँ, एक और चीज़, अभी राइडर्स आ चुके हैं मेरे पास, तो मैं शैमोस पर बैठ के निकल सकता हूँ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कोरल हाईलैंड्स में उन छोटे वाले क्या कहते हैं उनको, ट्रूपर्स का क्वेस्ट ख़त्म किया मैंने, जो ट्रूपर्स में कबीले वालों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा नलबेरीज भी उठा लूँगा रास्ते पे।
ये मुझे किसकी तरफ लेके जा रहे हो? होपफुली पूके पूकी की तरफ ही लेके जा रहे होंगे। तो राइडर्स का यही काम है बेसिकली। तो वो देखो यार, मुझे पूके पूके वहां पर मिल चुका है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको वॉल बैंक करने के लिए कुछ चाहिए। हार्डनेस से पहले मैं इसको वॉल बैंक कर दूंगा। फोरसाइट नीचे की तरफ जा रहा है वो, थोड़े बेटर हंटिंग एरिया पे। नहीं अरे क्यों भाई, कब तक भागेगा? अरे क्या हो रहा है ये? अजीब बात है, वो डायरेक्ट पीछे की तरफ भी आ सकता था लेकिन घुमा फिरा के वो यहीं पर ही आया। खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके पैरों को टेंडराइज नहीं कर सकता क्या? हाँ कर सकता हूँ, बच गया मैं। पूंछ को भी टेंडराइज कर दूंगा जब तक वो पानी पी रहा है। दूसरे पैर को भी मैं कर दूंगा टेंडराइज। पंख को भी। अब सही, और अभी मैं करूंगा इसको वॉल बैंक। तो यार पूरा शरीर को मैं टेंडराइज कर चुका हूं। तो अभी जो हिट्स लगेंगे वो एक्सेप्शनली ताकतवर होंगे। ये यार मिस्टर नाइकॉन यहां पर आ चुका है और वो फालतू में भी फोटो खींचेगा। अरे यार कैसे? फिर से पूंछ काटने की कोशिश। तलवार की शार्पनेस कम हो चुकी है मेरी। एक बार फिर से हिंदे करके तैयारी। परफेक्ट। और साइड शार्पन कर लेता हूँ जल्दी से। साइड लेकिन कॉम्बो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यार पुके पुके जो है अनटेंडराइज हो चुका है अभी। तो समझ सकते हो मैं क्या करने वाला हूं।
पैरों को पहले कर देता हूँ टेंडराइज। नाइस, हेल्म ब्रेकर का अच्छा मौका है। एक बार सर को भी कर देता हूँ मैं टेंडराइज। पूछ कट चुकी है इसकी। नाइस, खैर पूछ को जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से निकलते हैं पूके पूके के हंट पे। तो इससे क्या होगा ना, दो तरह के क्वेस्ट वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। एक तो इवेंट क्वेस्ट का कोरल हाईलैंड का बर्ड वाइवन का, टेंडराइज खत्म हो चुका है। फोरसाइट, हेल्म ब्रेकर की तैयारी, बढ़िया। नीचे गिराऊंगा सबसे पहले तो मैं इसको, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा वो, खैर कोई दिक्कत नहीं है। पीछा करूंगा मैं इसका, आई गेस मैं गलत जगह पे उसका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि जाना तो उसको अपने नेस्ट के पास ही है और उसका नेस्ट है कोरल हाईलैंड के सेंटर पॉइंट पे। और ये देखो यार, मिस्टर नाइकॉन भी यहाँ पर है। बहुत सही, तो यहां पर छुप जाऊंगा मैं और वेट करूंगा इसके लेटने का। नाइस, तो ये डाला मैंने शॉक ट्रैप और ये डाला मैंने ट्रैक बॉम्ब। नाइस, तो दो तरह के बाउंटीज कंप्लीट हो चुके हैं, पहला तो इवेंट क्वेस्ट का, दूसरा तो कोरल हाईलैंड का, और एक तो बर्ड वाइवर्न को मारने का। और मुझे ये नहीं पता पूके पूके बर्ड वाइवर्न है या फ्लाइंग वाइवर्न है, होपफुली बर्ड वाइवर्न हो, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। ओके, ये हो चुका है, एक बार पूछ के देख लेते हैं। बोंजूर, ओके, तो तीन हो चुके, कोरल हाइलैंड्स, बर्ड वाइवन, ओके। इवेंट क्वेस्ट नहीं हुआ, ओके, एक इवेंट क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फील्ड रिसर्च इवेंट क्वेस्ट, स्ले एल्डर ड्रैगन, तो इवेंट क्वेस्ट का एक और मैं कंप्लीट कर दूं जिसमें मैं एल्डर ड्रैगन को मारूं, तो एक और क्वेस्ट हो जाएगा, तो चलो वो कर लेते हैं। पोस्ट न्यू क्वेस्ट, इस बार मैं देखूंगा कि लो रैंक में कोई इवेंट क्वेस्ट में एल्डर ड्रैगन है कि नहीं। यहां पर है, लेकिन यहां पर चार पांच मॉन्स्टर्स है तो मुझे पंगा नहीं लेना यहां पे। When blue dust surpasses red lust, arc tempered lunastra है, arc tempered नरगी गांटे है, हर कोई arc tempered है यहाँ पे। keeper of the outer world, the throne taker,
इसको किया जा सकता है लेकिन करूंगा नहीं। हेरल्ड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये कर सकते हैं कीपर ऑफ द अदर वर्ल्ड, क्योंकि इसमें बेसिकली जनोजीवा है, लेकिन जनोजीवा इसमें कमजोर वाला ही है। दो किरीन्स है यहाँ पे, लेकिन ये हाई रैंक में नहीं है। तो एक काम करते हैं, जेनोजीवा का क्वेस्ट एक बार फिर से मार के देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया जेनोजीवा खेले हुए। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में भी देख सकते हो यार, कोई तो भी गाइडिंग लैंड में गया है। और जेनोजीवा के लिए मैं अपने पालिकों को कोई तो भी दूसरा इक्विपमेंट दूंगा। इस बार मैं उसको दूंगा प्लंडर ब्लेड। तो प्लंडर ब्लेड बेसिकली क्या करता है ना, कि जो भी क्या कहते हैं, जो भी मटेरियल होता है मॉन्स्टर का, वो ऑटोमेटिकली लूटता रहता है। तो काफी हेल्पफुल रहता है प्लंडर ब्लेड। ये है जेनोजीवा। सबसे पहले मैं कर लूंगा मील। जरूरत नहीं है वैसे मील की जेनोजीवा के लिए, लेकिन बस ऐसे ही। कितना ओमिनस सा म्यूजिक है, देख सकते हो जेनोजीवा का। डॉज रोल नहीं कर पाया इसको मैं। बहुत सही, बहुत सही। शुरुआत होते ही चलो ट्रिपल टेंडराइज हो चुका है अभी। इसकी मैंने पूंछ काट देनी है। यार ये इतना बड़ा है, ना तो इसके अटैक्स मेरे पर लग रहे हैं, ना ही मेरे अटैक्स इस पे। गुस्सा आ चुका है इसे अभी। इसके लिए मैं सही बता रहा हूँ, ग्रेट स्वॉर्ड लाना चाहिए था। बहुत ही गलत टाइम पे फोर साइड डाला मैंने वहां पे। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक और बार पैरालिसिस, नाइस। स्पिरिट गेज इतना नहीं था कि मैं कॉम्बो कंप्लीट कर पाता। नाइस, सर पे बढ़िया। एक और बार नहीं हो पाया, खैर कोई दिक्कत नहीं। ये लोकेशन चेंज कर रहा है, तो मैं भी जल्दी से कैंप पे जाऊंगा और इंसेक्ट ग्लेव लेकर आ जाऊंगा। ये सेकेंड फेज में जेनोजीवा जो है बहुत ज़्यादा हवा में उड़ता रहता है, और मैं नहीं चाहता कि फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो।
म्यूजिक ही देखो यार कितना ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। यार क्या साइज है इसका? ग्राउंड ट्रेमर्स भी दे रहा है मेरे को ये यहाँ पे। और ग्राउंड ट्रेमर्स कितनी देर तक लास्ट कर रहे हैं वो एक और चीज है। ये रिकॉर्ड मिल चुका है यहाँ पे। उड़ना शुरू मत कर देना बस। गया मैं बहुत से। सवारी क्यों नहीं मिल रही मुझे अभी तक? अब तक तो मिल जानी चाहिए थी सवारी। शाहरा इस्तेमालदा का मूव था वो। अरे भाई उसको एक्चुअल में गुस्सा आ चुका है पर क्या ही उखाड़ लेगा। नहीं 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 बहुत सही। सवारी क्यों नहीं मिल रही यार मुझे? वीक पॉइंट्स को हिट कर रहा हूं मैं, वो भी एयरबॉन डैमेज भी काफी ज्यादा है मेरा। शार्पनेस कम हो चुकी है मेरी। एक सेकंड एक शार्पनेस बस। नाइस पॉड्स खा लेता हूं मैं कुछ तो भी। इसकी पूंछ से अच्छा खासा हेल्थ भी मिल रहा है मुझे।
उसकी हेल्थ अभी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए वैसे तो, जितना मैं उसको डैमेज दे चुका हूँ। अरे यार फिर से गुस्सा आ गया इसको। मैं उससे इतना दूर हूँ फिर भी मेरे को ग्राउंड ट्रेमर का असर हो रहा है यार, बड़ी अजीब चीज है। नाइस। यार कोई दिक्कत नहीं, मूव बुरा नहीं था। हेल्थ भी स्टील कर ली मैंने उसी टाइम पे और जनरल जीवा खत्म। बस एक लास्ट बाउंड्री बची है, एक लास्ट इवेंट क्वेस्ट करना है मेरे को, कोई तो भी छोटा वाला इवेंट क्वेस्ट कर लूंगा मैं, भले ही फ्लोरा फ्रॉस्ट बाइट हो या फिर डफल ड्यूटी हो। तो इवेंट क्वेस्ट बेसिकली इवेंट क्वेस्ट ही काउंट होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे। और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ एक वेलकाना के क्रिस्टल के लिए। और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेलकाना का क्रिस्टल जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल है, तो हो सकता है कि ये सब कुछ करने पर अगर मुझे गारंटीड सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट मिलता है, चार वेलकाना को मारने पर मेरे को गारंटी नहीं है कि मुझे वेलकाना का मटेरियल मिलेगा। तो वही रीज़न है कि मैं सेलेस्टियल वाइवेरियन ब्लू प्रिंट कलेक्ट करके ही वेलकाना क्रिस्टल लेना चाहता हूँ। और ये इवेंट क्वेस्ट हो चुका है खत्म, टेक ऑल। नाइस। ओके बस एक लास्ट इवेंट क्वेस्ट बचता है अपने पास, तो चलो मैं कर लेता हूँ पोस्ट न्यू क्वेस्ट इवेंट। और इस बार मैं डालूंगा मास्टर रैंक के इवेंट में जाऊंगा और फ्लोरा फ्रॉस्ट बाइट, यही बेस्ट है, यही कर लेता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जल्दी भी ख़त्म होने वाला इवेंट क्वेस्ट है। चेंज इक्विपमेंट, मेरे को चाहिए टेस्टिंग सेट नहीं, गैदरिंग सेट। गैदरिंग सेट में बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का लेवल सबसे ज़्यादा है। देख सकते हो यार एक आखिरी क्वेस्ट बचता है इवेंट क्वेस्ट, राइट। तो जैसे ही क्वेस्ट लोड होता है इस क्वेस्ट को ख़त्म करने में मेरे को अब 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस लोडिंग टाइम को छोड़ करके। लोडिंग टाइम क्योंकि थोड़ा सा टाइम खा जाता है, बट खैर ये अगर हो गया तो वेलकाना क्रिस्टल तैयार होगा, और एक बार वेलकाना क्रिस्टल तैयार होगा तो वेलकाना के स्वॉर्ड को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। ओके पहुंच चुके हैं जगह पे, तो गिली मेंटल भी रेडी है। तो बैरियोथ के यहाँ पर होने के चांसेस है, तो बैरियोथ से बच के रहने के लिए मैं गिली मेंटल पहन लूंगा। तीन आइस ब्लूम सिर्फ, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी देख तो ऑलमोस्ट मतलब सारे के सारे आइस ब्लूम्स कलेक्ट हो ही जाने चाहिए। लगता है लक खराब है आज मेरा। आठ आइस ब्लूम, सीरियसली। यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है। ओके हो गया। नाइस। ये कैसे प्राणी है यार। इन पर अटक के मैं उड़ भी सकता हूँ, ये भी सही है, और उड़ते उड़ते क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाइस।
रेजिस्टर ज्वेल अच्छा है, सैटिएटेड फिजिक बुरा नहीं है, ब्रेस ज्वेल बेकार है। चलो जो ज्वेल मिले एटलीस्ट एक अच्छा मिला। तो यार देख सकते हो रिसोर्स सेंटर की बाउंटीज जो है कंप्लीट हो चुकी है राइट। और यहाँ पर मेरे को मिल चुका है सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट। तो सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट मिल चुका है तो मैं वेलकाना का क्रिस्टल भी मेल्ड कर सकता हूँ एल्डर मेल्डर के पास जा करके। मेल्ड आइटम्स वेलकाना क्रिस्टल और ये कर लिया मैंने मेल्ड। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेल्ड हो नहीं पाती। जैसे जैसे गेम में आगे बढ़ेंगे और भी ख़तरनाक मॉन्स्टर नए वाले जब आएंगे तब उनके जो स्पेशल मटेरियल्स है उसको मेल्ड किया नहीं जा सकता। अपग्रेड करूँगा मैं और अपग्रेड इक्विपमेंट में वेलकाना का ये जो है उसको मैंने कर दिया अपग्रेड। तो यार ये है बेसिकली फाइनल लेवल का स्वॉर्ड जो है कि है वेलकाना का स्वॉर्ड राइट। तो फाइनल लेवल में आर्ग्यूमेंट नहीं ऑगमेंटेशन में लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हेल्थ रीजन के लिए गाइडिंग रीफ ड्रैगन बोन है और भी कुछ एक दो तीन चीज़ें हैं जिसको गाइडिंग लैंड से ही लेना है, वो चीज़ें और कहीं मिलती नहीं है। बट खैर उत्ता हो चुका है तो देखते हैं गाइडिंग लैंड्स में कोई बंदा है कि नहीं, अगर हो तो अच्छी बात है उनको ज्वाइन कर लेंगे। SOS नहीं है अवेलेबल पे देखता हूँ। मास्टर रैंक इज इट हाई इनफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ग्राइंडिंग लैंड्स में अभी और ग्राइंड करना पड़ेगा लेकिन उस ग्राइंड के लिए यार अगले एपिसोड तक वेट करते हैं क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें मिलूँगा मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पर।